मौजूद हूँ गोरखपुर के घगसरा नगर पंचायत के वार्ड नंबर 8 में, अटल नगर इसका नाम है, वार्ड नंबर 8। हमारे साथ मौजूद है यहाँ से सभासद प्रतिनिधि ध्रुव चंद गुप्त जी और यहाँ से इनकी पत्नी श्रीमती शीला देवी जी को जनता ने यहाँ से सभासद बनाया है वार्ड नंबर 8 से। और थोड़ा सा मैं बताते चलूँ, ये नेताजी पहले भी 2 बार प्रधानी का चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन शायद उस समय कुछ अल्पमतों से चुनाव हार गए थे। एक बार ये BDC भी रहे हैं। इस बार इस पहली बार नगर पंचायत घगसरा जो है टाउन एरिया बना है और इस वार्ड में ये सदस्य का चुनाव जीते हैं। इनकी पत्नी जीती हैं, प्रतिनिधि और प्रतिनिधि पति दोनों हैं। पहले तो धन्यवाद सर हमारे चैनल की तरफ से, आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। धन्यवाद आपको। नेताजी आप चुनाव जीते हैं तो स्वाभाविक है वार्ड नंबर 8 की जनता कहीं ना कहीं आपसे बहुत उम्मीद की होगी, एक विश्वास होगा लोगों को कि आप विकास कर सकते हैं, तो क्या बधाई देना चाहते हैं वार्ड नंबर 8 की जनता को? मैं अपने सभी सम्मानित जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सर अगर हम विकास की बात करें, चूँकि जनता चाहती है कि एक विकास हो, अच्छा विकास हो, पहले ग्राम सभा हुआ करता था, अब शहरीकरण हो गया, किन किन मुद्दों पर आपकी सोच है विकास करने का? पहला प्राथमिकता हमारा यही रहेगा, आज तक कोई भी प्रतिनिधि या प्रधान यहाँ हमारे गांव के मुख्य रास्ते पर गेट नहीं बनवाया आज तक। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द पहले गेट बनवाएंगे, उसके बाद अपने वार्ड संख्या 8 में हमारे यहाँ घाट नहाने के लिए महिलाओं को बड़ा दिक्कत होती है, और एक बारात घर बनवाएंगे, साथ में संयुक्त शौचालय का निर्माण भी करवाएंगे। क्या लगता है सर, अभी आवास की अगर हम बात करें तो कितने लोग ऐसे होंगे वार्ड में जो कहीं ना कहीं पात्र होते हुए भी आवास से वंचित हैं? जी हमारा प्रयास यही रहेगा, जहाँ तक यथासंभव होगा हम आवास दिलवाएंगे, और अपने नगर पंचायत अध्यक्ष जी से भी अपेक्षा रखते हैं कि अधिक से अधिक हमारा सहयोग करेंगे। रोडों का क्या हाल है सर? जैसे आपका वार्ड बहुत बड़ा है, स्वाभाविक है कि रोडों की एक कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी, तो रोडों पर क्या विचार है आपका, कैसे बनवाएंगे आप? हमारा वार्ड का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है, लगभग 2.5 किलोमीटर का क्षेत्रफल है, यहाँ रोड की बहुत कमी है हमारे वार्ड में। हम 5 साल का समय बहुत अधिक होता है, हर वर्ष 1 से 2 सड़कें बनवा करके पूरा करेंगे। जमाव की भी बड़ी भयानक स्थिति रहती है इधर अक्सर, देखिए यहाँ नहीं रहती है, अच्छा इधर है तालाब है वहाँ निकल जाता है पानी, अब कुछ नहर के गड्ढे के रास्ते निकल जाता, कोई दिक्कत नहीं है। पेंशन का क्या हाल है सर, जो वृद्धा पेंशन होता है? वृद्धा पेंशन कुछ लोग छूटे हुए हैं, हम भी प्रयास करके आज तक कराते रहे हैं, सहयोग करते रहे हैं, अब जो भी कुछ लोग बचे होंगे 1 साल के भीतर हम उनको भी पूरा कराएंगे। जैसे आप एक बार BDC भी रह चुके हैं, 2 बार आपने प्रधानी का चुनाव लड़ा, तो इस समय कैसा लग रहा है आपको, वार्ड में आपको सदस्य बना दिया जनता ने, कैसा अनुभव कर रहे हैं? अच्छा अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि 2 बार हम हार चुके थे, जनता ने अब की बारी हमको जिताया है, सम्मान दिया है, हम जनता के प्रति खरा उतरेंगे यह विश्वास दिलाते हैं। आप तो विश्वास दिलाते हैं, लेकिन अक्सर होता यह है कि चुनाव के पहले लोग विश्वास दिलाते हैं, चुनाव जीतने के बाद नज़र नहीं आते हैं, आप क्या करेंगे? हम रह चुके हैं 5 साल, जहाँ तक यथासंभव प्रयास करके कुछ न कुछ सड़कें बनवाएं, जो भी समस्या थी उसका हम समाधान किए हैं, जनता हमसे अपेक्षा भी कर रही है और हम हमेशा खरा उतरेंगे। यानी कहीं ना कहीं वो 5 साल की कहानी जनता ने आपको लौटाया है, जो 5 साल आपने काम किया। जी और हम काम करेंगे, यही मेरा इरादा है। क्या संदेश देना चाहते हो वार्ड नंबर 8 की जनता को, क्या संदेश देना चाहते? हम यही संदेश देना चाहते, हमारी जनता मैंने हमको सभासद जिताया है, मैं जनता के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इस समय जो वर्तमान सरकार की नीतियाँ हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी की, उनके सरकारों से आप कहाँ तक सहमत हैं? हम पूरी तरह सहमत हैं, हमारी सरकार ने बहुत काम कराया है, जैसे सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर चीज़ में विशेष ध्यान दे रहा है। ये हमारे साथ है ध्रुव चंद्र गुप्त जी, जो वार्ड नंबर 8 से सभासद प्रतिनिधि और पति हैं, इनकी पत्नी यहाँ से श्रीमती